H3N2 से देश में अब तक 9 मौतें, सबसे ज्यादा 58 केस महाराष्ट्र में। 24 घंटे में मुंबई में 4 नए मरीज मिले। दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र समेत देश के कई राज्यों में H3N2 वायरस का खतरा बढ़ गया है। इस वायरस से देश में अब तक 9 लोगों की मौत हो गई है। वहीं वायरस का सबसे ज्यादा असर महाराष्ट्र में है। यहां अब तक स्वाइन फ्लू और H3N2 के कुल 352 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें H3N2 से पीड़ित मरीज 58 मरीज हैं। BMC के मुताबिक मुंबई में 32 मरीज भर्ती हैं, जिनमें से 4 मरीज H3N2 और 28 HINI के मरीज हैं। इन सभी मरीजों की हालत फिलहाल स्थिर है। राज्य में इन्फ्लुएंजा H3N2 के खतरे को देखते हुए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आज स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे। गुजरात के वडोदरा में भी H3N2 वायरस से 58 साल की एक महिला की मौत का दावा किया जा रहा है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। दिल्ली के LNJP अस्पताल में 20 बेड का आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। यहां नए केस को देखते हुए बेड और डॉक्टरों की सुविधा बढ़ाई जा रही है। पुडुचेरी में एहतियात के तौर पर सभी स्कूल 16 से 26 मार्च तक बंद कर दिए गए हैं। असम में भी बुधवार को H3N2 वायरस का एक नया मामला सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महाराष्ट्र में इस वायरस से अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना न भूलें।